तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सेवेंथ पे कमीशन पे जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है आठवें वेतन आयोग पर जो है बड़ा अपडेट आ रहा है। और आठवें वेतन आयोग में सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी खबर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है अभी आठवें वेतन आयोग के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत बन रही है सेवन्थ पे कमीशन। और इसमें जो केंद्रीय कर्मचारियों पर जो असर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। आठवें वेतन आयोग का अपडेट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुलाई 2016 में कहा था कि अब इस वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नई पैमाना आना चाहिए, और उसी नए पैमाने की बात की जा रही है जिसमें कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट होगा। अब सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी हर 10 साल बाद नहीं बढ़ेगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि सेवेंथ पे कमीशन के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है। सरकार अब कोई ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 52 लाख पेंशन धारकों को 50% से ज़्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिविजन हो जाएगा। दोस्तों जो आठवें पे कमीशन है उसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रही है, और उसमें अब डायरेक्टली सबका नहीं बढ़ेगा, एक तो जो लोग काम करेंगे उन्हीं का बढ़ेगा। और वित्त मंत्रालय के अनुसार जो है तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली मध्य स्तर और निम्न स्तर दोनों के कर्मचारियों के जो है इसमें ना सिर्फ जो है हायर एम्प्लॉयज़ दोनों का बढ़ेगा इसमें, और एक नया फार्मूला सेटअप होगा। डायरेक्टली जो है अब आपका जो है हर 10 साल बाद सैलरी बढ़ना तय नहीं होगा, अब जो है परफॉर्मेंस लिंक, जो जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कि आठवें वेतन आयोग पर है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।